दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू। मतलब कुल मिलाकर के जयवर्धन सिंह जी की राजनीति यही है कि हर गुट मेरा है, मैं किसी गुट से एक से नहीं हूँ। कमलनाथ जी भी मेरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मेरे हैं, अर्जुन सिंह जी भी मेरे और मेरे पिताजी तो मेरे एब्सोल्युटली और ये बात तो हर विधायक को कहनी चाहिए। हम गुट क्यों करें, गुट से क्या लाभ मिलता है? अगर हम सबको सपोर्ट करेंगे, सबसे मिलेंगे, तो उसमें हम क्या खो रहे हैं, उसमें उल्टा हम और नेता पा रहे हैं। आपने छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात की, लेकिन अगर हम जब वहाँ देखते हैं छिंदवाड़ा विकास मॉडल में, तो वहाँ 3 दिन में पानी मिलता है। वहाँ का नगरीय निकाय 3 दिन में लोगों को पानी पिला पाता है। 32 साल से वहाँ पाइपलाइन बदली नहीं गई है, उसका नुकसान ये है कि पानी 50% से ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे में विकास का मॉडल मैंने जो कहा ना कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से है कि आम आदमी कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से है। नहीं, उनका विकास मॉडल, उनके पूरे मॉडल की सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पर जो उनने एक ऐसा वातावरण दिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, जब तक आप युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे तो आपके क्षेत्र का भविष्य कैसे बन पाएगा? हम बात करते हैं उस मॉडल की। कहीं ना कहीं पिछले 15 साल से सरकार भाजपा की रही है, तो जो उनकी नीतियाँ थी सरकार की छिंदवाड़ा की तरफ, कहीं ना कहीं उसमें भी उनने कुछ भेदभाव किया होगा। लेकिन जो छिंदवाड़ा मॉडल है वो बेस्ड है इंडस्ट्रीज़ पर, वो इस बात पर आधारित है, केंद्रित है कि वहाँ के जो युवा हैं, वहाँ के जो नौजवान लोग हैं, उनको सुविधाएं मिली हैं, उनको स्किलिंग मिली है अनेक ट्रेड्स में, उनको ट्रेनिंग मिली है, ITOs मिले हैं, IT और BPO सेक्टर्स मिले हैं, जिसके माध्यम से उनको अच्छा प्रशिक्षण मिला है और उनको अच्छे रोजगार के अवसर मिले हैं। वो है छिंदवाड़ा मॉडल। दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक विरासत होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। वैसे मुझे लाभ भी मिला, लेकिन मेरी एक खुद की पहचान होनी चाहिए, वो मेरा लक्ष्य रहेगा हमेशा। हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, तो इसलिए हमें भी उतनी और मेहनत करनी होगी। मेरा राजनीतिक अगर मॉडल कोई है तो जवाहरलाल नेहरू।